हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ ये जो लुक है ये मैं शेयर करने वाली हूँ। इस तरह के मेकअप लुक आप किसी भी पार्टी में करके जा सकते हो, बर्थडे पार्टी में आप कर सकते हो, कोई भी पार्टी फंक्शन में आप इस तरह की लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज करके मैंने ये लुक को क्रिएट किया है एंड एक्चुअली ये वर्सेटाइल भी है, आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको कैरी कर सकते हो। सो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ये मेबलिन फिटमी की फाउंडेशन है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरी फेस में एंड नेक में फाउंडेशन को मैं अप्लाई करूंगी एंड इसको अप्लाई करने के पहले मैं फेस को अच्छे से वॉश करके मॉइस्चराइज कर लिया है एंड प्राइमर अप्लाई करने के बाद ही फाउंडेशन को मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद आई एरिया पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर की कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसको भी मैं सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड कर रही हूँ एंड उसके बाद फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की कंसीलर। मेनली इसको मैं आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी फेस की हाईएस्ट पॉइंट्स में। उसके बाद डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड हो जाने के बाद मैं फिट मी की लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन फिट मी लूज पाउडर एंड आई एरिया पे एंड पूरी फेस एंड नेक में इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। बहुत अच्छा पाउडर है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं एंड उसके बाद ये पैलेट से मैं ब्लैक एंड ब्राउन शेड को मिला के आईब्राउज को फिलअप करूँगी। पेंसिल से ज़्यादा मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही कन्वीनियंट लगते हैं। तो हो जाने के बाद मैं आई मेकअप करूँगी, इसीलिए लाइट ब्राउन शेड को लेकर मैं सबसे पहले आउटर कॉर्नर पर प्लेस करते हुए मैं इनर कॉर्नर की तरफ इसको लेके जाऊँगी एंड क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद सेम कलर को ही मैं पूरे आईलिड पर अप्लाई करूँगी एंड लोअर लैश लाइन पर भी इसको अप्लाई किया है। उसके बाद मैं येलो कलर शेड को फिंगर की मदद से लेकर आईलिड के मिडिल पार्ट में अप्लाई किया है एंड काजल के लिए पर्पल की ब्लैक कलर काजल मैं अप्लाई कर रही हूँ अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर। नेक्स्ट मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड आईलाइनर को मैं थोड़ा सा विंग शेप दे रही हूँ एंड ये ब्लैक कलर की आईलाइनर है, पेंसिल लाइनर एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा को मैं अपर एंड लोअर लैश लाइन पे तीन चार कोट अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई किया है, ये पिंक कलर की ब्लश मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद सेम ब्लश पैलेट से मैं हाईलाइटर शेड को लेकर फेस की जो हाइस्ट पॉइंट्स है वहाँ पर अप्लाई किया है। हो जाने के बाद मैं लिपस्टिक यूज़ किया है, ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिक्विड लिपस्टिक है, इसका शेड है डिवाइन वाइन। ये लुक के साथ हाई पॉनिटेल ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं तो इसलिए इस तरह की हेयर स्टाइल किया है मैंने एंड ज्वेलरीज जो पहना है तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये है गाइस मेरी फाइनल लुक। अगर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय।